मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते, मेरा नाम महेश पलावत है। आप देख रहे हैं स्काई मेट वेदर। यह है देशभर का मौसम अपडेट और मौसम पूर्वानुमान। तो अब 20 मई हो गई है और जैसे मैंने बताया था कि जो ट्रफ रेखा यानी निम्न दबाव की रेखा, ये पहाड़ों के ऊपर थी, अब ये धीरे धीरे नीचे आ गई है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन पंजाब और उसके आसपास बन गया है। एक ट्रफ रेखा सिंध तक जा रही है, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और हवाएं यानी कि मध्य भारत में पश्चिमी हवाएं इस तरह से आते हुए और यहां से ऐसे घूम के आ रही है। यानी कि ये जो हवाएं हैं ये बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर के अब ट्रफ धीरे धीरे और नीचे आएगी। तो यानी कि उत्तर प्रदेश बिहार के जो तराई वाले इलाके हैं, उत्तराखंड और पंजाब हरियाणा के तराई वाले इलाकों में अब पूर्वी हवाएं आने लग जाएंगी, नमी बढ़ेगी और जो नमी है और गर्मी पहले से ही बढ़ी है। जैसे मैंने बताया था कि हवा में जब नमी बढ़ती है और मौसम गर्म होता है तो हवा ऊपर की तरफ उठती है। जब गर्म चीज होती है वो ठंडी होती है, मतलब ठंडी नहीं, मतलब कि हल्की हो जाती है और वो ऊपर की तरफ चलती है। और जैसे ही एटमॉस्फेयर में हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो इस समय क्या होता है कि लगभग 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर के 0 डिग्री आ जाता है। यानी कि तापमान ऊपर ऊंचाई पर, जैसे हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं या चलते हैं पहाड़ी इलाके में मौसम ठंडा होता है, वैसे ही एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे मौसम ठंडा होने लगता है। और जब ऊपर की तरफ हम ये हवाएं बढ़ती हैं तो इसमें जो मॉइस्चर होता है वो कंडेंस होकर के बादल बना लेता है, बारिश होती है और इस समय गरज चमक के साथ बारिश होती है क्योंकि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा नहीं होता अपर एटमॉस्फेयर तक, मॉइस्चर नहीं होता, इसीलिए जो बारिश होती है वो धूल भरी आंधी के साथ होती है। यानी कि जो वातावरण में नमी जब जो मानसून के टाइम में बढ़ जाती है तब बारिश ज़्यादा होती है। तो इसीलिए प्री मानसून गतिविधियाँ जो होती है उत्तर भारत में खास करके धूल भरी हवाओं के साथ होती है। तो अब क्या होगा कि कल से हो सकता है कुछ इलाकों में बौछारें शुरू हो जाएं और 22-23 तारीख को हमें उम्मीद है कि पंजाब, हरियाणा और ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ ये दिल्ली NCR में बारिश की गतिविधियां या ओले भी पड़ सकते हैं एक दो स्थानों पर, तेज हवाएं भी चल सकती हैं। तो यानी प्री मानसून गतिविधियां चालू हो जाएंगी और उससे जो तापमान है उसमें थोड़ी सी और गिरावट होगी और कुछ राहत जो गर्मी बहुत दिनों से पड़ रही थी उससे मिलना शुरू हो जाएगी। पहाड़ों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है तो ये 20-21 तारीख तक यहाँ पर बारिश की गतिविधियां देता रहेगा। उत्तराखंड में कम बारिश होगी और निचले जो इलाके हैं जैसे ऊना वगैरह हो गया, ये इस इलाके में कम बारिश होगी। उसी तरह से जो उत्तराखंड में है, हरिद्वार, देहरादून, इन सारे इलाकों में बौछारें पड़ सकती हैं, लेकिन जो ऊपर के पहाड़ हैं यानी ऊंचे पहाड़ हैं उसमें बारिश की गतिविधियां अच्छी हो सकती है। अब पूर्वी भारत की तरफ देखें तो ट्रफ रेखा आप देखिए पूरे पूर्वोत्तर तक जा रही है और हवाएं यहाँ से भी यानी कि बंगाल की खाड़ी से इस इलाके को नमी पहुंचा रही है जो बहुत दिनों से चल रहा है। तो क्या होता है कि पहले क्या था, बहुत तेजी से हवाएं चल रही थी और यहाँ पर आप देखिए हिमालय है, अरुणाचल प्रदेश ये सब हिमालय है तो यहाँ से हवाएं टर्न हो जाती है क्योंकि इस जगह पर पहाड़ों को वो क्रॉस नहीं कर पाती, काफी ऊंचे तक पहाड़ है तो ये जो टर्न होती है हवाएं तो यहाँ पर एक तरह से आप मॉइस्चर एक्युमुलेशन हो जाता है जिसके कारण आपने देखा होगा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश इस इलाके में भारी बारिश की गतिविधियां जारी हैं और अभी भी अगले 2-4 दिनों तक जारी रहेंगी, लेकिन उसमें थोड़ी सी कमी आएगी जिससे कि असम में जो बाढ़ की स्थिति है उसमें धीरे धीरे सुधार होने की संभावना हमें नजर आ रही है, लेकिन बाकी इलाकों में बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी। सिक्किम वगैरह में और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में भी बारिश होगी, पूर्वी बिहार और पूर्वी झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल में छुटपुट बारिश होगी और उड़ीसा के कई इलाकों में मेघ गर्जना के साथ बारिश होगी, लेकिन अभी जो काल वैसाखी जैसा स्थिति है वो अभी फिलहाल नहीं बनने वाली क्योंकि इतना ज्यादा इंटेंस प्री मानसून गतिविधि नहीं हो रही है। ये जून के महीने में हमें देखने को मिलेगी या हो सकता है कि मंथ के एंड में इस तरह की काल वैसाखी जो होती है यानी कि गरज चमक के साथ बौछारें, तेज हवाएं यानी कि गेल फोर्स की विंड होती है जो 80-90 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है और बिजली गिरती है जिससे काफी ज्यादा नुकसान होता है, तो ये जो स्थिति है वो मंथ के एंड में या जून में देखने को मिलेगी, जून के शुरुआती दौर में जब मानसून प्रोग्रेस करने लग जाता है। बाकी पूर्वी उत्तर प्रदेश वगैरह अभी फिलहाल शुष्क रहेंगे लेकिन 1-2 दिनों के बाद यहाँ पर बारिश की गतिविधियां होना शुरू हो जाएंगी। मध्य भारत में गर्मी बरकरार रहेगी यानी कि राजस्थान में जो टेम्परेचर है अभी 46-47 तक जाएगा, बहुत ज्यादा ऊपर जाने की संभावना नहीं है, 49 तक अभी फिलहाल नहीं पहुंचेगा और उसी तरह गुजरात के कई इलाकों में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में यानी कि पूरा आप ऊना, ग्वालियर से लेकर के दतिया, मुरैना ये जो इलाके हैं और नीमच, रतलाम, उज्जैन, बरवनी, धार, खांडवा, खरगोन, इंदौर, भोपाल ये सारे इलाके काफी ज्यादा, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा ये सारे इलाके काफी ज्यादा गर्म रहेंगे और उसी तरह राजस्थान के ज्यादातर इलाके और गुजरात के कई इलाके में गर्मी काफी ज्यादा रहेगी, 40-42 से ऊपर ही तापमान रहेंगे, मतलब 44-45 के बीच में रहेंगे। विदर्भ वगैरह में तापमान तो ज्यादा रहेंगे लेकिन ये ट्रफ रेखा जो आप देख रहे हैं इसके कारण थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी बीच बीच में होती रहेगी और 1-2 दिनों के बाद अब क्या होगा कि 22-23 तारीख के आसपास मुंबई तक कुछ ना कुछ बौछारें देखने को मिल जाएंगी, प्री मानसून गतिविधियां मुंबई तक और पूरे तटीय महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी, पुणे वगैरह में बादल वगैरह छा सकते हैं, बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है, नासिक, मालेगांव, जलगांव वगैरह भी गर्म और शुष्क रहेंगे।
और अगर अगर दक्षिण भारत की बात करें तो ये जो मैंने दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन काले रंग में बनाए हैं ये 500 मिलीबार पर है, यानी 12 से 15,000 की फीट पर है। इसीलिए ये कोस्टल कर्नाटका में यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होगी, तेज बारिश होगी, और धारवाड़, गड्डग, कोपल, ये जो इलाके हैं मैंगलुरु और ये जो कारवार वगैरह में तेज, उडुपी वगैरह में तेज बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश में हल्की फुल्की बारिश होगी, तेलंगाना में भी बौछारे पड़ेंगे, केरल में जो भारी बारिश की गतिविधियां थी उनमें कमी आ जाएगी, और जो बेंगलोर वगैरह बैसूर वगैरह में बारिश होती वो भी काफी कम हो जाएगी। तमिलनाडु के आंतरिक जिलों में हल्की फुल्की बारिश रहेगी, लेकिन तटीय इलाकों में बारिश की गतिविधियां लगभग ना के बराबर रहेंगी। लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश रहेगी, और यहां पर ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन 500 हेक्टापास्कल बना हुआ है इसके प्रभाव से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अभी अगले 24 घंटों तक भारी बारिश हो सकती है। उसके बाद ये जो वेदर सिस्टम इधर चला जाएगा, म्यांमार की तरफ बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी और इस इलाके में कम हो जाएगी, और मानसून अब बहुत ही एक दो दिनों के दौरान आगे बढ़ेगा, यानी कि धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो रहा है। और जैसे मैंने बताया आपको कि जून में 1 जून को जो केरल पहुंचता है वो 4 या 5 दिन पहले पहुंचने की उम्मीद हमें दिखाई दे रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।